दोस्तों अब हम आपको दिखा रहे हैं पावर ट्रक का एक जो नया मॉडल आया 437 से। अगर इस ट्रैक्टर की हम बात करते तो ये 39 से HP कैटेगरी के अंदर ट्रैक्टर की गिनती होती है। इसके अंदर उस कंपनी का थ्री मॉडल वाला इनलाइन पंप आता है और तेल में डूबे ब्रेक इसके अंदर आते हैं और बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। इसके गियर वगैरह की हम बात करें तो इसके अंदर 4 फॉरवर्ड से और 1 रिवर्स, यानी 5 गियर होते हैं और हाई लो को मिलाकर टोटल 10 गियर इसके ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर अगले टायर अगर हम साइज का बात करें तो इसमें 6/16 का अगला टायर आता है। पिछले टायर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर 13/6 के पिछले टायर आते हैं और कंपनी इस ट्रैक्टर को एक केयर बटन के साथ बेच रही है, जिससे कहीं पर भी अगर आपके ट्रैक्टर में कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो आपको कहीं कुछ होने की जरूरत नहीं, मिस्त्री वगैरह बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस साइड में यहाँ पे केयर बटन दिया गया है, उस केयर बटन को आप 10 सेकंड तक प्रेस करके रखो तो अपने आप ऑटोमेटिक कंपनी के पास कॉल जाएगी और कंपनी के वहाँ से वापस कॉल आपके पास आएगी उसी केयर बटन में। आपको मोबाइल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है फ़ोन करने के लिए कंपनी में, और उसी से कंपनी का बंदा आपके पास संपर्क करके आपसे पूछेगा कि आपका ट्रैक्टर किस तरह से है, क्या दिक्कत है, और वो वहीं से बैठे बैठे आपको मैकेनिकली कुछ कार्रवाई बताएगा करने के लिए, जिसको आप छेड़ छानी करके ट्रैक्टर को अपने को स्टार्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो 1600 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इसके अंदर आती है और इसके अंदर पावर स्टेयरिंग के लिए सिंपल स्टेयरिंग कंपनी दे रही है और 39 HP कैटेगरी के कंपेरिजन में इस ट्रैक्टर के अंदर जो है दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टर से इसका जो रेट है बहुत ही कम दिया गया है। किफायती रेट में ट्रैक्टर है और डीजल से इसकी कंपनी लिख करके दे रही है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि बहुत ही कम डीजल लेता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेयरिंग की है, इसके अंदर इजी स्टेयरिंग आता है और पीटीओ की अगर हम बात करते हैं तो 540 RPM पीटीओ के इसमें आते हैं। बहुत ही ट्रैक्टर है, लुक वाइज प्राइस वाइज या मेरे लिए जैसे फैसिलिटी आई है, जैसे कंपनी से केयर बटन खासियत आई है इस तरह। इसके अंदर और प्लेटफॉर्म की अगर इसकी बात करते हैं तो सटेट प्लेटफॉर्म जैसे इसके पायदान दिए हैं उसके बाद के गेयरबॉक्स और पायदान में आपको थोड़ा सा भी अंतर नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट गेयरबॉक्स है जो पायदान आता है उसके तरह से इसका बनाया गया है और इसका जो पीटीओ लीवर भी है वो भी अच्छी सी एमसी कंडीशन में इसका बनाया गया है। मतलब बहुत अच्छा ट्रैक्टर है कीमत के मामले में और हर चीज़ के मामले में, या फिर डीजल के मामले में पावर स्टेयरिंग के बजाय जैसे सिंपल स्टेयरिंग में दे रही है। तो मतलब कि सिंपल स्टेयरिंग होने के बावजूद भी एक ईजी स्टेयरिंग मैकेनिकल स्टेयरिंग जो है इसका बहुत ही हल्के हिसाब से प्ले होता है, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। अगर दोस्तों आपको पसंद आता तो एक बार जरूर लेके चेक करना। इसके अंदर जैसे लिखा भी हुआ दे रहे कंपनी के ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक के, मतलब अपनी श्रेणी में इतना छोटा ट्रैक्टर कोई भी ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक में तेल में डूबे हुए ब्रेकों में कोई नहीं आता, इसमें सादे ब्रेक आते हैं या डिस्क ब्रेक जैसे लेदर वाले ब्रेक आते हैं। इसमें कंपनी बिल्कुल मार्का लगा के दे रही है कि ऑयल इम्प्रेस्ड ब्रेक के साथ ट्रैक्टर मिलेगा आपको। तो इसकी जो है हाई लिपिड कैपेसिटी, यानी कि 1600 kg अपनी श्रेणी में 1600 kg की इसकी लिपिड कैपेसिटी है और ड्यूरा क्लच इसके अंदर नई क्लच का जो मार्केट में आई है ड्यूरा क्लच के अंदर ट्रैक्टर आपको मिलेगा। सिंगल क्लच ट्रैक्टर मिलता है आपको। बैटरी बॉक्स की अगर बात करें तो बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा बैटरी बॉक्स इसके अंदर आता है और कंपनी इसके अंदर एमरॉन कंपनी की जो कि आपकी चाहे सबसे महंगी बैटरी होती है एमरॉन कंपनी की बैटरी इसके अंदर दे रही है और छोटा सा बिल्कुल छोटा सा बैटरी बॉक्स है और इसमें खासियत है ये छोटी सी बैटरी से ही डिस्चार्ज हो जाता है, इसको ज़्यादा करंट की जरूरत।